हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पॉलिटी मैनेजमेंट एंड पॉलिटी की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। दोस्तों, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का फोन आ रहा था कि सर आप कैसे फीड बनाते हैं वो दिखाइए, कहां पर फीड बनाते हैं वो दिखाइए। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं और इसके बाद में हमारी पोल्ट्री का आज 17वां दिन है तो उसमें हमारी पोल्ट्री में कितना वेट आया ये भी हम दिखाएंगे। लेकिन वीडियो चालू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है साथियों कि बहुत सारे लोग क्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मतलब हमारे पास भी आ जाते हैं, वीडियो भी दिखाते हैं लेकिन जब चेक करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं निकलता है। इससे होता है क्या है दोस्तों कि वीडियो आप सर्च करके निकालेंगे वो वीडियो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हम जो प्रतिदिन वीडियो अपलोड करते हैं, जो विशेष जानकारी आपको डालते हैं या कभी भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाती है। तो आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो खोलिएगा, हमारी जो भी लिंक आपके पास में है जो भी वीडियो उसको खोलिएगा और जो साइड में उसके आप चैनल को खोलेंगे तो साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है उसको दबाना है और साथ में एक घंटी बनी होती है उसको दबाइएगा। तो उसको दबाने से क्या होगा, जो भी हम वीडियो बनाएंगे, जो भी वीडियो कभी भी बनाएंगे, रात में दिन में जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। जब नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचेगा तो आप वीडियो देखोगे और वीडियो की पूरी वीडियो आप तक पहुंचेगी और पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ओनली सर्च करने पर ही वीडियो आपको मिलेगी। तो आप वीडियो लाइक भी करते रहिए, लाइक करने से भी क्या होता है कि फिर वही वीडियो यूट्यूब रिपीट करके हमें देता है, मतलब जिस प्रकार की वीडियो हम डालेंगे, जिस प्रकार की वीडियो हम लाइक करेंगे, चैनल हमारा जो है, पेज जो है यूट्यूब का, वो उसी प्रकार की वीडियो आपको सजेस्ट करके दिखाता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें दोस्तों। हम मैं जो है ये देखिए, आप देख सकते हैं यहां पर मैं फीड बनाता हूं, दिखाइए पूरा। ये हमारी पोल्ट्री फीड मशीन है, ये पोल्ट्री फीड हैमर ग्राइंडर मशीन है दोस्तों, और ये बहुत ही फेमस मशीन है, बहुत ही हाई क्वालिटी मशीन है। इस मशीन की जो कैपेसिटी है 5 से 6 लाख के जो मिक्सर कन्वेयर प्लांट जो फीड बनाते हैं उसी प्रकार का ये फीड बनाते हैं और बनाती है, और उससे अच्छी कटिंग और मिक्सिंग आती है। क्योंकि जो बड़ा मिक्सर कन्वेयर प्लांट होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि होपर में हम डालते हैं, कन्वेयर उठा के ले जाता है, ग्राइंडर को देता है, ग्राइंडर कटिंग करता है, फिर वो मिक्सर को देता है, मिक्स करके बाहर निकालता है। वो मशीन भी हम बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो ग्राइंडर लगा होता है वो पत्ती वाला होता है, मतलब एक बार में जो मटेरियल आता है उसको काट के बाहर निकाल देता है। इसमें जो है साथियों पत्ती नहीं है, इसमें ब्लेड इसमें जो है हैमर होते हैं। बहुत सारे वीडियो में हमें पहले भी बता चुके हैं, ये देखिए ये इसमें हैमर होते हैं, ये आपका घूमता है, तो ये जब घूमता है, पास से दिखाइए, तो 3000 RPM से घूमता है, तो ये कटिंग और मिक्सिंग दोनों कर देता है दोस्तों। इतनी बढ़िया मिक्सिंग करती है कि बड़ा से बड़ा मिक्सर फेल है। साथ में इसको आप सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों लाइट से चला सकते हैं, बिजली की भी बचत है, तो बहुत ही बढ़िया हैमर ग्राइंडर मशीन है। मैं तो ये कहता हूं जो भी छोटा से छोटा पोल्ट्री फार्मर है उसे अपना खुद का फीड बनाना चाहिए और उसे ये हैमर ग्राइंडर मशीन लेना ही चाहिए। अब ये देखिए हमने फीड बनाया है, लाइए इधर लाओ, इसकी क्वालिटी देखिए आप, ये हमारा स्टार्टर फीड है दोस्तों। एक भी दाना आपको बड़ा छोटा नहीं मिलेगा, मक्का का जो साइज चाहिए वही साइज है पूरा, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए साइज के बाद में पूरा मिक्सिंग देखिए, इसका कण कण मिक्स हो गया, ये देखिए। तो ये हमारा फीड है दोस्तों, स्टार्टर फीड चल रहा है। ये मक्का रखी हुई है आप देख सकते हैं, और इधर मैं अभी जो 40% कंसल्टेट रखा है जो कि 40% से बना रहा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसमें 40 किलो BC मिला रहे हैं ब्रॉयलर कंसल्टेट 40%, और 60 किलो मक्का मिला रहे हैं, ठीक है। 40 दोनों को मिक्स करके हम ग्राइंडर में निकाल देते हैं और ये हमारा फीड कंप्लीट है और ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट है। ये हमारा आज 17वें दिन में 730 ग्राम वेट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये टब का वेट काट के है, यानी ये समझ लीजिए कि 750 ग्राम का हमारा एवरेज वेट है 17वें दिन में, बहुत जो कि बहुत बढ़िया वेट है दोस्तों। और ये फीड है, ये इसका रिजल्ट है। तो अभी की कंडीशन में सोया जो है दोस्तों 10,000 के पार हो चुका है। तो अभी जो मैं पहले जो वीडियो बनाते थे हम लोग, पहले में जो फीड बनाता था वो 10% से बनाता था, लेकिन अभी क्या 10% से फीड बनाने में फीड की कॉस्टिंग बहुत हाई जा रही है, क्योंकि 10% में क्या सोया मिल
सोया का जो रेट है वो बहुत हाई जा रहा है, ठीक है 10,000, तो जिससे कॉस्टिंग हाई जा रही है, तो मैं अभी 40% से बना रहा हूँ। तो आपके पास में यदि, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके पास अगर मुर्गा डला हुआ है तो 40% आप इकट्ठा ले लें दोस्तों और फीड की कॉस्टिंग निकाल लें। अभी मैंने 128 बैग लिया है 2950 के रेट में और मेरे फीड की कॉस्टिंग 35 रुपये जा रही है, 40% से बना रहा हूँ, है ना, और इसमें ऑयल नहीं डाल रहा हूँ मैं। अगर आप 35% से बनाएंगे तो आपको 20 लीटर ऑयल डालना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं 40% से बना रहा हूँ। तो आप जो मुर्गा आपने डाल रखा उसके लिए इकट्ठा 40% खरीद लें और स्टॉक करके रख लें। और यदि आपने अभी तक माल नहीं डाला, माल डालने का सोच रहा है दोस्तों, तो माल अभी स्टॉप कर दें और अगर डालें तो अपना खुद का फीड बनाकर ही डालें, अन्यथा मार्केट के फीड के भरोसे माल ना डालें, क्योंकि मार्केट का अभी 5,000 रुपये फीड की कॉस्टिंग पहुंच चुकी है और आगे जाके ये 6,000 भी होगी। तो अगर हम फीड नहीं बनाएंगे तो हम 6,000-7,000 का फीड भी मजबूरी में खिलाना पड़ेगा, जितने का मुर्गा नहीं है उससे ज्यादा मुर्गा फीड खा जाएगा, जितने का बनेगा नहीं, मतलब 100 रुपये से भी ऊपर तैयार होगा। तो पोल्ट्री अगर करें दोस्तों अभी तो खुद का फीड बनाकर ही करें, अन्यथा ना करें, ठीक है, 40% से आप कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके हमें बताएं, कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।